हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 13 सम। सो 13वां सम और 14 सम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस दिस 13th एंड 14th सम। सो आपका 13 सम क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। 13 सम में आपको बोला है भाई एक्स प्लस थ्री दी होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब क्या करना है, अगेन दो तरीका है। एक जो तरीका वो है कि आप इसके या तो फिर मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो। एक तरीका पहले फर्स्ट फर्स्ट मेथड में बता देता हूँ आपको। ब्रैकेट ओपन करना है या ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। चलिए देखते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व एंड ये माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर एक्स स्क्वायर, अच्छा लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा आपका टू एक्स। ठीक है, उसके बाद नाइन माइनस ट्वेल्व, सी नाइन माइनस ट्वेल्व इज माइनस थ्री और माइनस थ्री माइनस फाइव इज माइनस एट। ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। ओके, देयर फोर, अच्छा एट का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि आपको पॉजिटिव मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करने पे टू आएगा। तो फोर टू से एट और फोर माइनस टू करोगे तो आपको कितना आ जाता है, फोर माइनस टू इज टू। सो दिस इज एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में, इट इज एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो देयर फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा एक्स का वैल्यू आ गया माइनस फोर और एक्स का वैल्यू आ गया टू। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गया फोर माइनस फोर एंड टू। ठीक है, मैं दूसरा मेथड ये बता रहा था, ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप कैसे कर सकते हो। यू कैन टेक एक्स प्लस थ्री को सपोज वाई ले लो। सो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी फाइव का फैक्टर ऐसे पढ़ना है कि आपको सब्ट्रैक करने पे माइनस फोर आएगा। तो दिस इज फाइव वन जा फाइव और माइनस फाइव प्लस वन करोगे तो माइनस फोर आता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई सॉरी वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा वाई वाई माइनस फाइव प्लस वन वाई माइनस फाइव विद दिस इज इक्वल टू जीरो। अच्छा वाई माइनस फाइव एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर वाई इक्वल टू फाइव और वाई इक्वल टू माइनस वन। अब बाद में क्या करें, री सब्सटीट्यूट कर दो वाई के जगह पे एक्स प्लस थ्री। सो देयरफॉर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फाइव और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस वन। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू फाइव माइनस थ्री टू और एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर। आ रहे समझ में, इजी है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 14 सम की ओर। 14 सम देखते हैं किस तरह से, अगेन वही तरीका लगाना है आपको, या तो फिर आप लेट करो या तो ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि क्या होता है जनरली लोगों को लेट वाला मेथड क्लिक नहीं होगा, तो ब्रैकेट ओपन करना ज्यादा ज्यादा क्लिक ही हो जाता है। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। सो देयर अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर इंटू टू एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज फोर इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, थ्री टू सिक्स टू ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बहुत ध्यान से, आप आईसीएसई के बच्चे हो तो फिर इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि इतना तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो गई, होना भी चाहिए। तो ये हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट एक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस टू एक्स, अच्छा थ्री माइनस फोर्टीन इज माइनस इलेवन विच इज इक्वल टू जीरो, कर देते हैं। ओके,
सो देयरफॉर ये हो जाएगा 16x² माइनस 14x माइनस 2x इज माइनस 16x, सो 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा 25, प्लस 25 इक्वल टू जीरो. ओ माय गॉड, ये तो काफी बड़ा आने वाला है, वैल्यू काफी बड़ा आने वाला है. चलो देखते हैं फिर भी कैसा. अच्छा करना क्या है आपको भाई, मैंने आपको बताया 25 इंटू 16 का फैक्टर पढ़ो. अच्छा 25 इंटू 16 करने के बाद जो नंबर आते हैं ना उसके फैक्टर्स निकालो, और वो फैक्टर उसके, हाँ उसके फैक्टर्स निकालो, वो नंबर जो नंबर आता है वो नंबर के फैक्टर्स निकालने के बाद आपको ऐड करने पे, ऐड करने पे आपको कितना आना चाहिए, ऐड करने पे होगा ना, ऐड करने पे आपको माइनस 16 आना चाहिए, ऐड करने पे माइनस 16 आना. चलो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होती हुई दिखाई दे रही है. ये हो जाएगा 16x² माइनस 12 फॉर द 48, ये क्या लिखा मैंने, 48x प्लस 36. अच्छा माइनस 48x माइनस 2x इज माइनस कितना आ रहा है, माइनस 50. तो एक्चुअली आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा 16x² माइनस 50x और ये हो जाएगा प्लस 25 इक्वल टू जीरो. ठीक है ना. सो आपको क्या पढ़ना है, अगेन वही मैं बोलूंगा 25 इंटू 16 करना है, और उसका वो नंबर का आपको फैक्टर निकालने हैं, और वो दोनों फैक्टर ऐड करने पर माइनस 50 आना चाहिए. ठीक है, लेकिन क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बाद में उसका फैक्टर निकालोगे, नहीं. आप इन दोनों का, ये जो ऑलरेडी ब्रोकन है, ऑलरेडी टूटे हुए हैं, 25 16 ऑलरेडी टूटा हुआ है, इनको और फर्दर तोड़ो, 5 5 जा एंड 4 4 जा, समझ में आ रहा है, और फर्दर तोड़ो उसको. उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ऐसा और तोड़ दो. ठीक है. अच्छा अब देखते हैं, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 2 जा 20 और 5 2 जा 10 2 जा 20. सो इसमें से कुछ आ रहा है क्या, दिस इज 5 8 जा 40, तो 5 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 40 इंटू 10. ठीक है, 40 इंटू 10 फैक्टर आ रहा है. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इज 16x² माइनस 40x माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू जीरो. ठीक है. सो आपको कॉमन क्या मिलेगा, इधर आप 8 कॉमन ले सकते हो, सो 8x कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या 2x माइनस 5, और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो, माइनस 5 कॉमन ले सकते हो, सो 5 2x प्लस 5, ओ सॉरी 2x माइनस था, ओके दिस इज इक्वल टू जीरो. सो देयरफॉर 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 8x माइनस 5 इक्वल टू जीरो. सो देयरफॉर 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और 8x माइनस 5 इक्वल टू जीरो. ठीक है. सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 5 और 8x इक्वल टू 5. सो देयरफॉर x इक्वल टू 5 अपॉन 2 और x equal to 5 upon 8. So x equal to 5 upon 2 और x equal to 5 upon 8, ये आपके दो values of x आ गए. Easy? समझ में आया है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो बढ़िया. So 13th और 14th sum इस particular video में हमने देखा. So इस video के लिए तो इतना ही, अगले video में हम लोग देखने वाले हैं 15th sum देखेंगे ना हम लोग, हाँ 15th sum देखने वाले. ठीक है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड डू वॉच ऑल माय वीडियोस एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो. चैनल सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता ही है, और लाइक भी जरूर करिए वीडियो. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर.